Hello students, good morning. Today also we will see our chapter number 3 of chemistry, atoms and molecules. In our last lecture, we have discussed about atomic mass and its unit to measure. So we know that everything has to need one unit for its measurement. Like that, for a measurement of atomic mass, scientists has derived unit as a AMU, that is atomic mass unit, and later on IUPAC, according to IUPAC recommendation, it is written as U, small u, that is unified mass of atom, unified mass. So what is mean by AMU, means atomic mass unit, and how it is derived, how it has considered, that we will see through one activity on your page number 35, it is given, and in that activity, how the scientist has taken 1/12 of carbon atom as a relative mass as one atomic unit. Scientist has considered 1/12 of carbon atom as a one atomic mass unit. कोई तो भी एक छोटा यूनिट तो चाहिए, छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा ऐसे, जैसे मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे यूनिट होते हैं. तो सपोज कोई तो भी एक छोटा यूनिट होता है और उसके रिलेशन में हम दूसरे एटम के मास यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल मास मेजर करना एटम के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको रिलेटिव एटॉमिक मास लेना है. तो वो किससे रिलेटिव लेंगे, स्टैंडर्ड मास उसके लिए कौन सा कंसिडर किया है, जैसे हम किलोग्राम ग्राम एक स्टैंडर्ड मास यहाँ पर एक इसमें कंसिडर करते हैं और उसके कंपेरिजन में दूसरे दूसरे बैलेंस के दूसरी ओर हम कोई सब्सटेंसेस रखते हैं. इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट एंड वी हैव टू टेक द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एज रिलेटिव टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वेट. कोई भी स्टैंडर्ड वेट यहाँ पर लिया जाता है और उसके कंपेरिजन में दूसरी तरफ सब्सटेंस डाला जाता है. तो वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट ये कंसिडर किया है एटॉमिक मास मेजरमेंट के लिए. 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम कंसिडर किया है एज अ वन एएमयू. सबसे छोटा यूनिट एटम का कौन सा कंसिडर किया है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम का मतलब क्या है, कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं C12 और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर एटॉमिक मास कितना है 12, 13 भी है और 14 भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर है. यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कैसे है इक्वल है आइसोटोप्स में, और मास नंबर क्या है डिफरेंट है. तो ये दोनों आइसोटोप बहुत ही रेयर है और कार्बन ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्म में मिलता है C12, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी C12 एंड C12 हियर एंड एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6 हियर. दिस आइसोटोप वी हैव कंसीडर्ड हियर. मतलब एक ही चीज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यदि मिलती है तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं. तो यहां पर हमने C12 कार्बन एटम लिया है और उसका 1/12 पार्ट जो है उसको कंसिडर किया है 1AMU. एंड कैसे उसको किया है, कैसे समझेंगे उसको, हमने कैसे कंसिडर किया है, तो हम यहां पर देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाइड्रोजन लिया तो भी प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कंबाइन करना पड़ता है, तो वो भी कैंसिल हो गया. ऑक्सीजन उसके आइसोटोप्स की वजह से और गैसियस स्टेट की वजह से ऑक्सीजन को भी कैंसिल कर दिया, रादर इट इज रिएक्टिव स्टिल इट इज कैंसल्ड. देन कार्बन 12 एटम इज कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. सो 1/12 ऑफ कार्बन एटम इट इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट. ओके, सो हियर कार्बन का जो एटॉमिक मास है ये होल नंबर में आता है, जैसे ऑक्सीजन का कितना आता है 1.33 यूनिट, बट कार्बन का जो आता है वो होल नंबर 1 आता है, और इसलिए उसके 12 पार्ट को हमने 1AMU कंसिडर किया है. और कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, सॉलिड भी है, इसलिए
वो कन्वीनियंट वो रहा रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। स्टैंडर्ड वेट के लिए ऐसा कोई तो भी चाहिए ना कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता भी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल भी है हमारे लिए, और वो सॉलिड भी होना चाहिए वेट करने के लिए। इसलिए रिलेटिव मास मतलब स्टैंडर्ड मास के लिए, स्टैंडर्ड वेट के लिए कार्बन 12 एटम कंसिडर किया गया है। सो ये कैसे वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक फ्रूट सेलर की एक्टिविटी बताइए, तो ये फ्रूट सेलर की जो एक्टिविटी है उसमें क्या दिया है कि एक फ्रूट सेलर है, उसको फ्रूट सेल करना है कहीं पे भी, वहां पर उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं है और उसके पास दूसरे और भी फ्रूट्स है, कौन से, गवा, लेमन, ग्रेप्स और वाटरमेलन, ये सब फ्रूट्स उसके पास है और उसको वो सेल कर रहे हैं। कैसे सेल करेगा, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट तो नहीं है, कोई आया मुझे गवा फ्रूट दे दो, मुझे लेमन दे दो, तो कैसे देगा वो, ऐसे ही थोड़ी ना देगा, कोई तो भी एक स्टैंडर्ड प्राइस होनी चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने पास जो वाटरमेलन था तो वाटरमेलन के इक्वल 12 पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए 12 पार्ट्स किए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 इक्वल पार्ट्स में वाटरमेलन को उसने डिवाइड किया। अभी उसने उसमें से एक पार्ट को एक यूनिट माना, मतलब एक स्टैंडर्ड वेट माना, यहां पर एक पार्ट को, वाटरमेलन के एक पार्ट को, कितना पार्ट है ये, 1/12 ऑफ वन होल वाटरमेलन, एक पूरे वाटरमेलन का कितना पार्ट है ये, एक को ही लिया तो पूरा का पूरा, यदि ये वाटरमेलन है उसके हमने इक्वल पार्ट किए तो ये आएगा 1/12 पार्ट। तो ये इसने सबसे छोटा यूनिट कंसीडर किया है यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। तो उसकी उसने प्राइस क्या फिक्स की है, 5 रुपीज, एक जो है पीस वो कितने का है, एक पीस है 5 रुपीज का, मतलब उसके कंपैरिजन में जितने डालने पड़ेंगे उतने उसकी प्राइस होगी, जो यहाँ पर जो फ्रूट डाले जाएंगे दूसरे तरफ तो उसके कंपैरिजन में कितने फ्रूट्स आएंगे, कौन से फ्रूट्स आएंगे, कभी ये ज्यादा लेने पड़ेंगे पीसेस, कभी ये ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो उसकी प्राइस उसके हिसाब से यहाँ पर फिक्स की गई है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है, आई हैव टेकन हियर 1 पीस ऑफ 1/12 वाटरमेलन पार्ट, तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट लिया तो उसके कंपैरिजन में क्या डाला, यहाँ पर सपोज मैंने लेमन लिया तो हाउ मेनी लेमन्स इट देयर विल बी, ओनली 2 लेमन्स, कितने लेमन लिए मैंने, 2 लेमन, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज, तो इसकी 2 लेमन्स की वैल्यू कितनी आई, 5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपीज का एक लेमन हो गया यहाँ पर, हो गया उसका प्रॉब्लम सॉल्व, कितने रुपीज के कितने बेचने हैं। देन वन कस्टमर केम देयर एंड ही नीड गवा फ्रूट, सो व्हाट हैपन विद गवा फ्रूट, उसने गवा फ्रूट मांगे तो क्या हुआ, पूरे के पूरे थ्री गवा फ्रूट यहां पर उसने, यहां से ये 3 गवा फ्रूट यहां पर रखे हैं, तो 3 गवा फ्रूट एक ही इसके बराबर आएगा क्या, उसको अभी यहां पर कितने वाटरमेलन लेने पड़ेंगे, 1 और 2, यहां पर कितने वाटरमेलन लेने पड़े और बढ़ाने पड़े उसको वाटरमेलन की पीसेस, क्योंकि ये हैवी है। तो किस पर डिपेंड करता है, कितने हमको यूनिट लेने हैं, तो कितना हैवी है ये सब्सटेंस और कितना लाइट है उस पर ये डिपेंड करता है। यहां पर अभी गवा फ्रूट हैवी है तो मुझे और बढ़ाने पड़े यहां पर वाटरमेलन के पीसेस, तो कितने वाटरमेलन के पीस लिए मैंने यहां पर, 2, मतलब 1/12 प्लस 1/12, यहां पर 2 लिए मतलब 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज 5 प्लस 5 रुपीज इज इक्वल टू 10 रुपीज यहां पर हुए, और ये गवा फ्रूट के कितने रुपीज हुए फिर, 10 रुपीज, 3 गवा फ्रूट लिए और 2 वाटरमेलन के पीसेस है तो कितनी प्राइस हुई उसकी, 10। तो इसी तरह हम क्या लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, यहां पर भी रिलेशन में लिया उसके फ्रूट्स। तो सिमिलरली साइंटिस्ट हैज कंसीडर, साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन एटम लिया, कौन सा, एसओ2 लिया, कार्बन 12 एटम लिया
और उसके 12 पार्ट किए। कितने? 12 पार्ट कंसीडर किए, मतलब कार्बन 12 एटम का कितना वेट है? 1। तो 1 यदि उसका वेट है C12 का, कितना कंसीडर किया? C12 को 1 यूनिट कंसीडर किया, तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम को कितना? 1/12 ऑफ यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा। 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम यहां पर लिया, तो 1/12 इसका भी करना पड़ेगा यूनिट का। तो ये किसके इक्वल है? 1 AMU। जैसे कार्बन के 12 टुकड़े में से एक टुकड़ा लिया, तो उसको कंसीडर किया दिया स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मास, 1 AMU। अंडरस्टूड? तो 1 AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मास, इट इज रिटन एज AMU, एंड 1 यूनिफाइड मास इज रिटन एज 1U अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन। सो दिस इज अबाउट 1 AMU। Here definition is also given here as 1 AMU. See here, underline the definition. 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12. Carbon 12 जो atom होता है उसके 1/12 part के equal to क्या होता है? 1/12 of कार्बन 12 एटम। समझ में आया? तो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ यहां पर दिया है 1 एटॉमिक मास इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12। That is the definition. मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हमने AMU, 1 AMU यहां पर कंसिडर किया। ये 1 AMU इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पर लिखा है। सो देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है अ यूनिट ऑफ mention, I will mention that definition, you have to write down. A atomic mass unit, definition of atomic mass unit, a unit of mass used to express, express atomic and molecular weight, and it's equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12. Okay? A unit of mass used to express atomic and molecular weight, and it's equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 atom. This is the definition of atomic mass unit. And what is relative atomic mass? It is given under this picture. Similarly, the relative atomic mass, it is the definition. You have to underline that also. Relative atomic mass of an element is defined as the average mass of the atom, as compared to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom. So what is the relative atomic mass? Relative matlab उसके रिलेटिव में जो लिया गया है स्टैंडर्ड यूनिट उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके रिलेटिव में एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया गया है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम। क्या है? एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C एटम। सो दैट इज अबाउट
one AMU, AMU and one AMU and one unified mass. Yes, that is the unit of atomic mass. So here we have finished the atomic mass topic. Okay, so I hope you understood very well and read that and learn the definition also and read that topic from your textbook, NCERT textbook, and do the definition by heart. Yes, it is very important. In according to exam, these definitions are very important. Okay, thank you.